आपके लिए EDUCHAM लाइव क्लासेस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो जो आज हम इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं वो सीटेट से अध्यापक बनने का क्या महत्व होता है। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि सीटेट से अध्यापक बनने का महत्व क्या होता है। आप कोई और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जैसे कि स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, टेट एग्ज़ाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, STC जो होता है एग्ज़ाम होता है 12वीं के बाद में, वो भी एग्ज़ाम होते हैं। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स और भी होते रहते हैं, लेकिन सीटेट का डायरेक्टली ये कि आप इसको क्वालिफाई करने के बाद में जो है आप डायरेक्टली KVS NVS की जो भर्ती निकलती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बताते हैं कि केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षा सीटेट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, मतलब बोर्ड जो है CBSE द्वारा आयोजित किया जाता है। पहले इस साल में 2 बार होता था, लेकिन अब एक ही बार होता है, और इस बार तो 2 साल बाद में एक ही बार हुआ है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता वाले तथा कुशल शिक्षकों की भर्ती करवाना होता है। वो विद्यार्थी जो सरकारी तथा अन्य अच्छे विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए परीक्षा पहली सीढ़ी की तरह है। इसके अलावा दूसरा सवाल जो दिमाग में आता है, उसका मतलब ये कि सीटेट के सर्टिफिकेट का क्या महत्व है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बात नहीं पता होती कि सीटेट के सर्टिफिकेट मिलने के बाद सरकारी नौकरी कैसे मिलती है। तो इस सवाल को मद्देनजर रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है, ताकि हम आपको तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। सीटेट का महत्व, जैसा कि हम जानते हैं कि सीटेट का सर्टिफिकेट सरकारी विद्यालयों में शिक्षक की नौकरी पाने के लिए पहला कदम है। सीटेट की परीक्षा पास करने के बाद ही एक सरकारी विद्यालय में नौकरी पाई जा सकती है। सीटेट के उत्तीर्ण होने के सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक अभ्यर्थी विद्यालयों में निकली नियुक्तियों के लिए आवेदन कर सकता है। सीटेट उत्तीर्ण करने के बाद एक अभ्यर्थी किस में आवेदन कर सकता है, KVS NVS ERDO या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश के जो वैकेंसी निकलती है उसमें, गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। और उसके अलावा जो प्राइवेट कुछ स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, जो कि इसको, जो भी सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उनको वरीयता देते हैं, मतलब उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। उत्तीर्णता के मापदंड और वैधता की, इसका 60% मार्क्स जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उनके 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। और विद्यालय प्रबंधन STS तथा OBC वालों को जो कुछ छूट देता है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ कितना है। तो सामान्य के लिए 60% है, मतलब 50% से 90 मार्क्स होने चाहिए आपके। OBC वालों के 55% मार्क्स हैं, 55% मार्क्स होना कंपलसरी है, तो 150 में से आपके 82 मार्क्स आने चाहिए। STSC वालों के लिए 150 में से 75 मार्क्स आना कंपलसरी है, मतलब 50% स्कोर करना ज़रूरी होता है। आगे कि सीटेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो 7 वर्ष तक की होती है। और ऐसा नहीं कि आप अगर एक बार पास हो गए तो आप इसमें वापस अप्लाई नहीं हो सकते। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो, क्योंकि जितने अभी कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप लोगों के जितने अच्छे मार्क्स लाएंगे उतना ही कम है आपके लिए। तो सीटेट में सुधार करने के लिए, मार्क्स में सुधार करने के लिए भी आप वापस से एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए हम विद्यार्थियों से यही कहेंगे कि आप अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि आपको टीचिंग में जल्दी से जल्द जॉब मिल सके। ठीक है, तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीटेट से अध्यापक बनने का क्या महत्व था, किस तरह से आप सीटेट के थ्रू गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा आप तक और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके अलावा सीटेट का जो रिजल्ट है वो भी बहुत जल्द जारी होने वाला है, और इससे रिलेटेड जो भी वैकेंसी निकलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको जल्द से जल्द EDUCHAM आपके लिए लेके आए